ये है यूनिक चिकन करी, जो कि टेस्टी के साथ साथ इजी भी है, बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपसे बार बार यही पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे। सच में मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं हमेशा यही बनाना पसंद करती हूँ। कभी कभी मैं दूसरे तरह का ट्राई कर लेती हूँ, बट मुझे ज़्यादा इसी तरह से बनाना पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी टाइप, मतलब कि इसको खाने का आपका हमेशा मूड रहेगा, आप इसे हमेशा खाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे चिकन को करना है मैरिनेट। मैरिनेट हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे मिक्स करके रख देंगे। तो सबसे पहले डालें चिकन में दही। दही डालना बहुत ज़रूरी है। और ये आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये रेड चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक और आधा चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी। ये होममेड कस्तूरी मेथी है, तो आप इसे क्रश करके डाल दें और अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दें। आइए तब तक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्याज को इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पे मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे बस दो प्याज लिया है, दो ढाई होगा, एक छोटा सा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डालें, आपको ग्रेवी जितनी चाहिए आप उस हिसाब से डालें। तो यहाँ पे हमें प्याज को एकदम बारीक चॉप्ड करना है, आपको जितना पतला हो सके आप कट कर लें। जो कि ऑयल में जाने के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस प्याज को हमें पीसना नहीं है, इसे हमें ऐसे ही फ्राई करना है। तो इसी तरह से सारे प्याज को यहाँ हमने कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, टमाटर को कट करके डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। टमाटर को हमें पीस के डालना है, जिससे कि इसका ग्रेवी बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो इसी तरह से आप टमाटर को काट के डाल दें। यहाँ मैंने छोटे छोटे टमाटर थे, मीडियम साइज़ के थे, ज़्यादा छोटे नहीं थे, इसलिए हमने दो लिया है। अगर बड़े साइज़ का हो तो आप एक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे डाल दें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये एक चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच कोरिएंडर पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, ये छोटी वाली चम्मच है, आप अपने हिसाब से देख लें और सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्मूथ मसाला रेडी है, ये पेस्ट की तरह दिख रहा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप इसे किसी भी टाइम, कभी भी, अगर आप जल्दबाजी में भी हैं तो आप इस चिकन को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डालें तेल में जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और ये हरी इलायची है और बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को मैंने आधा करके डाला है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप एक से दो डाल सकते हैं। लौंग डाल लें 3 से 4 और ये कटे हुए प्याज डाल के हमें इसे भूनना है। तो प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसे कवर कर दें, जिससे कि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो, क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टेंट बना रही हूँ तो इसे मुझे जल्दी से पकाना है, क्योंकि चिकन को पकाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए प्याज को ढक के पकाएं। और जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ मसाला है, जिसे कि हमने ग्राइंड करके रखा था। और डाल दें यहाँ पे नमक, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये नॉर्मल वाली मिर्ची पाउडर है, जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं, तीखी वाली जो होती है वो डाल दें और इसे मिक्स कर दें। इस मसाले को हमें ढक के पकाना है और अच्छे से पकाना है। एकदम से फ्लेम को लो रखना है और इसे अच्छे से पकाते जाना है, जिससे कि मसाला अच्छे से पके और अंदर तक भुने। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। और यहाँ पर हमें डाल देना है ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, और इस चिकन को अच्छे से मिक्स करें।
आप देख सकते हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन का कलर कितना प्यारा लग रहा है, कितनी ब्राइटनेस दिख रही है इसमें। तो आप भी चिकन को मैरिनेट ज़रूर से करें और इस चिकन को कवर कर दें, कवर करके पकाएं ताकि चिकन भी अंदर तक पके और अच्छे से पके, और इसे बीच बीच में चलाते रहें। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर कितना प्यारा आ गया है। तो अब इसमें डाल दें कसूरी मेथी। मिक्स करने के बाद तरी के साथ आप 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। आप चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला है क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। आप चाहे तो गर्म पानी करके 1 गिलास डाल दें। तो यहाँ पे हमारा चिकन रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रहा है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।